उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने दतिया स्थित पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगुलामुखी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ विधायक कुणाल चौधरी, विधायक घनश्याम सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती भी मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में चल रही अंदरूनी खींचतान के बीच कमलनाथ सरकार के दो दिग्गज मंत्री भगवान के दर पर पहुंचे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह ने दतिया स्थित प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ पहुंचकर मां बगुलामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और मां से समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने की कामना की। साइड से उठो भाई साहब। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ माफियाओं के खिलाफ पूरी ताकत से और किसानों के पक्ष में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश का नंबर वन राज्य बनेगा। वहीं पार्टी में चल रहे गुटबाजी के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ जी माफियाओं के खिलाफ पूरी ताकत से, किसानों के पक्ष में पूरी हिम्मत से और युवाओं का ध्यान रखकर पूरे सार्थकता से शासन चला रहे हैं, जो पूरे मध्य प्रदेश की जनता इससे अभिभूत है। मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश में नंबर वन हो हर क्षेत्र में। तो कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ समृद्ध मध्य प्रदेश लगाने लगे, इसमें सारे नेता, सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, सारा एक एक जनप्रतिनिधि और मैं उससे आगे बढ़कर विपक्ष, जो सकारात्मक विपक्ष, सब मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने में लगे। मैं मानता हूँ सब एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे ज्योतिराज सिंधिया हो, चाहे हमें हो, सब हमें। कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम कमलनाथ के बीच बढ़ रही सियासी दूरियों ने राज्य का सियासी तापमान भी बढ़ा दिया है। ऐसे में पार्टी के कुछ वरीय नेता मामले को रफा दफा करने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दतिया।